करना चाहता हूँ कि हमारा जो आज तीसरा दिन हड़ताल का है, तो हम जे ही हमारे जो भी लीडरशिप बैठेंगे, हम फैसला करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या निर्णय लेना है, कि जो भी हमारे सेक्टर में जो 446 जो हमारे केस पड़े हुए फैले दूर चाट रही है, हमारा मेन मैसेज यही बैठने का थी एलजी साहब तक पहुंचाने का कि हमारा स्टेट डिपार्टमेंट में 446 जो कैबिनेट डिसीजन के बावजूद भी वो केस पेंडिंग पड़े हैं, और उन पर एलजी साहब के आगे गुहार है कि हाथ जोड़कर उस पर गुहार फरमाया जाए और हमारे रेगुलर पॉलिसी के केस फौरी तौर पर लागू किए जाए। तो नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे जो परमानेंट अप्लाई है उनके भी डीपीसी का, उनका भी हेल्पर का जो इशू है जो गवर्नमेंट ने बना के रखा, आने वाले टाइम में वो भी बैठ जाएंगे हमारे साथ, तो इससे भी ज्यादा धरना प्रदर्शन हम करेंगे। हो सकता है तो हम पत्र स्टैग और ले जाएंगे, और इसके लिए आज हमारे शाम तक टाइम है स्टेशन के पास। अगर तो हमारी बात होती है तो ठीक है, तो आने वाले टाइम पे नहीं तो और खींचेंगे हम पीछे नहीं लगे, ताकि स्टेट डिपार्टमेंट के जो बंगले से जाके बड़े बड़े कोठियों में मैंट्रियों में काम कर करके आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है और हमारी फैले धूल चाट रही है। इसी मेन मकसद हमारा एलजी साहब तक हम स्टेशन को देश देकर माननीय चीफ सेक्रेटरी को हमारी फैल जो कैबिनेट डिसीजन हुआ है लागू कर दीजिए। जय हिंद जय भारत। चीफ कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट एम्प्लॉई यूनियन, आज हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर की हड़ताल का तीसरा दिन है, लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कॉल नहीं आई। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी जरूरत नहीं है, जो मुलाजिम आप यहाँ बैठे हैं ये बेचारे कोई गलत को डिमांड नहीं कर रहे हैं। इनकी रेगुलेशन का मैं आपको बताऊंगा, पिछली सरकार ने बीजेपी और पीडीपी सरकार जो महबूबा मुफ्ती मैडम चला रही थी उस पर डिसीजन हुआ था कि तमाम डेली वेजर को परमानेंट किया जाए, जिसके लिए एसआरओ 520 बनाया, वो एसआरओ 520 के तहत हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों को केस सेक्टर में जो है रेगुलेशन के लिए गए, जिनमें से कुछ लोगों के अप्रूव भी हुए, लेकिन उनके अप्रूवल के बाद अभी तक उनके जो ऑर्डर हैं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करवाने में नाकामयाब रही है। हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि सबसे पहले जो अपने केस इनके अप्रूव हुए हैं उनके ऑर्डर निकालो, उसके साथ साथ जो केस आपके पास पेंडिंग है फाइनेंस डिपार्टमेंट में फौर उनकी जो है वो रेगुलराइज करो, अगर नहीं करते हैं तो परमानेंट स्टाफ भी इनके पास है, क्योंकि परमानेंट स्टाफ के बहुत सारे मसले हैं, हेल्पर हैं जो पहले से जो परमानेंट हो गए अभी तक आपने उनका ग्रेड जो है वो रिलीज नहीं किया। इसी तरह से जितना भी मुलाजिम है वो आज बड़ी खस्ता हालत में है, ऊपर से सरकार ने एसआरओ 43 जो मुलाजिम के प्रोटेक्शन के लिए था, क्योंकि अगर कोई मुलाजिम मर जाता था तो उसके बाद उसकी वाइफ उसके बच्चा उसके सर्विस दी जाती थी, लेकिन इस सरकार ने गुंगी बैरी सरकार ने वो एसआरओ जो है उसको भी सीज कर लिया और आगे से लिए कोई परमिशन नहीं रखा कि जो मुलाजिम मर जाता उसकी जगह किसको लगाना है, वो खत्म ही कर दिया उन्होंने। और आए दिन मुलाजिमों को परेशान करने के लिए रोज गलत जो है कानून मुलाजिम पर लागू करते हैं, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हम सरकार से बंद करते हैं कि जो आपको ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो ये प्रैक्टिस हमारे पे नहीं चलने वाली। सीधी सी बात है, हमारा मुलाजिम करप्ट नहीं है, गलत नहीं है, गलत आप लोग हैं जो आप जो अपने बड़े बड़े पार्टियों को हट कर क्वार्टर चमका रहे हो, लेकिन गरीब मुलाजिम की दिहाड़ी तक बढ़ा नहीं रहे हो, जो कि सरकार चाहिए।